सबसे बड़ी मार्केट गांधी नगर है। और गांधी नगर साइड में है, यहाँ पे खाने की तो इतनी सारी चीजें हैं कि आपको आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आज भी हम सुबह से लेकर टाइम है, सर्दी के दिन हम नाश्ता करने आए हैं। मैं कहाँ पे आया हूँ वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको बता दूँ एग्जैक्ट मैं हूँ कहाँ पे। मेरे इस साइड है गांधी नगर मार्केट, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, और इस साइड है झील चौक। अगर आप इधर जाएंगे तो उससे ही साइड जाएंगे, और हमें इसी साइड जा रहे हैं, तो आइए चलते हैं। गांधीनगर की 55 साल पुरानी दुकान है, वो है नाराज का। यहाँ पे कचौड़ी और छोले सबसे ज़्यादा फेमस है। 55 साल पुरानी दुकान है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी चलती है। यहाँ की जो फेमस कचौड़ी है ना, वो मुल्तानी मोड कचौड़ी है, और छोले भटूरे फेमस है। आप आए हैं अंदर, अब देखते हैं भैया लोग कैसा बना रहे हैं। तो ये जो छोले पैक हो रहे हैं, ये छोले भटूरे के लिए ऊपर आ चुके हैं। क्या क्या डालते हैं भैया? छोले क्या करेंगे? आलू डालते हैं, आलू डालने के बाद इतने मस्त छोले हैं, गाढ़े गाढ़े हैं, क्योंकि ऑयल इतना मस्त रह रहे हैं। ठीक है, कोफ्ता डालते हैं। कोफ्ता किस चीज़ का कोफ्ता है? पालक कोफ्ता होता है। पालक कोफ्ता, पालक पालक के साथ ही कोफ्ता होता है। अच्छा, पालक के साथ कोफ्ता है ये सब छोले के साथ, छोले भटूरे के लिए। और देखिए यहाँ पे ये अचार है, गाजर का अचार है, ये आंवला है, ये आंवला है, सब्जी में तो आंवला है, कितना बढ़िया लगता है। हरी मिर्च का अचार है, प्याज है, और ये चटनी है, ये कचौड़ी वाली दाल है। हाँ जी, ये मोठ है जो कचौड़ी के साथ होती है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। चावल भी लग जाते हैं? चावल मोठ में, मोठ में डाल के सिंगल कचौड़ी हो गई, डबल बड़े में डालना चाहिए। एक एक सिंगल पीस है ये देखिए, ये क्या मसाला है? अमचूर का मसाला है, ये अमचूर का मसाला है, मोट का मसाला, मोट का मसाला, ये मोट का मसाला है, इमली चटनी है, इमली की चटनी है, ये इमली की चटनी है, ये खट्टी चटनी होती है, खट्टी खट्टी चटनी है। उसके बाद ये ऊपर से चावल, उसके बाद ये ऊपर से लाल वाली मसाले वाली प्याज होती है, ये नरम प्याज की चटनी डाली हुई है आपने। चटनी वाला प्याज है, देखिए देखने में कितना मसाले वाला प्याज है, मसाले और चटनी वाला प्याज है। कितने साल पुराने? 45 प्लस ईयर्स है। तो सबसे आप बचपन से ही बैठ रहे थे यहाँ पे शॉप पे? नहीं, मैं तो क्या मेरे फादर थे पहले। अच्छा, फादर के बाद हमने जब कुछ ऑर्डर 12th तक करा, उसके बाद आए। उसके बाद आए तो क्या क्या है आपके पास? मेन हमारे जो हम मुल्तानी मोड़ कर रहे थे, वो चना भटूरा, चना भटूरा हमारे पिताजी के जाना, उन्हीं के हाथ से चल रहे हैं, उन्हीं की रस्ती है, छोले भटूरे कटोरे, मैं तो उनकी पूरी है। अच्छा, मैं उनकी पौधा लगाया पूरा पेट में, बिल्कुल 45 साल पुरा रही है। अंकल ने कितनी मेहनत करी होगी तभी 45 साल तक ये शॉप अच्छे से आप देख रहे हैं। राउट भी अच्छा है, तो गुलाब जामुन भी है, जिससे ए टू जेड नमक को छोड़ के कोई सा भी मिसाल होता है, साबुत ला के सफाई करके अपना खुद पिवाया जाता है। उसी में वही चीज़ हम अपने घर पे भी खाते हैं, वहाँ कस्टमर ला रहा सेम टू सेम हम घर पे खाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि अंकल जी ने बताया कि ये काफ़ी टाइम से यहाँ पे बैठ रहे हैं, 45-50 साल की उनकी दुकान है, और नमक को छोड़ के सारे मसाले खुद पिसवाते हैं अपने सामने, और घर में खुद भी वही यूज़ करते हैं। तो अब ऐसे भी बात नहीं है कि शॉप में अलग यूज़ करते हैं, कस्टमर को अलग खिला रहे हैं या घर पे अलग खा रहे हैं, वही चीज़ खुद खाते हैं, वही कस्टमर को खिलाते हैं। आप देख सकते हैं जो पुराने लोग हैं, क्या सोच है उनकी, क्या थिंकिंग है, क्या कैसे कस्टमर को सर्व कर रहे हैं, यही होती है बात जो इतने सालों तक इनको यहाँ तक लेके आई, इतने सालों बाद। मेरा नाम कंचन। आप कितने टाइम से आ रहे हैं यहाँ पे? मैं जब बहुत छोटी थी, मेरे फादर लेकर आते थे यहाँ पे, और अब मेरी शादी हो गई है, लेकिन जब भी मुझे भटूरे या कचौड़ी खानी होती है तो मैं यहीं आती हूँ। मुझे आते हुए यहाँ पे 22-23 साल हो गए हैं। 22-23 साल हो गए? हाँ जी। तो आप यहीं पे जल्दी रहते हैं, गांधीनगर रहते हैं? नहीं, मैं मेरी मम्मी यहाँ पे रहती हैं, लेकिन मैं चाहे कहीं पे भी हूँ, मेरी ससुराल अशोक नगर है, लेकिन मुझे जब भी खाना होता है मैं यहीं आती हूँ। जब मम्मी घर आते हैं आप यहाँ पे जरूर खाते हैं? नहीं, मैं स्पेशल भी आके खाती हूँ यहाँ पे, मुझे बहुत पसंद है यहाँ की। तो अभी आपने खा लिया भी खाएंगे आप? नहीं नहीं, मैंने खा लिया, गुलाब जामुन भी बहुत टेस्टी है, पाल के ही पसंद है। तो आपने अभी क्या खाया? मैंने छोले भटूरे और गुलाब जामुन। छोले भटूरे और गुलाब जामुन आपने भी? हाँ, यही। थैंक यू, थैंक यू। जैसे दीदी ने बताया कि ये भी 22-23 साल से आ रहे हैं, और उनके फादर जी भी 40-45 साल से, यानी कि जब से शॉप स्टार्ट हुई थी इनकी, तब से यहाँ पे खाते आ रहे हैं।
तो देखिए आप हम मेरे से इतना कुछ सुनने के बाद मेरे से रुका नहीं जा रहा है, मैं भी ऑर्डर करता हूँ खाने के लिए इनकी, हम भी ट्राई करते हैं और आपको भी बताऊँगा कैसा है, रिकमेंडेड है या नहीं है। पहले थोड़ा मेकिंग देख लेते हैं फिर। तो ये देखिए दोस्तों भटूरे की तैयारी हो रही है और ये भटूरे का मैंने पेड़ा पहले बना कर रखा हुआ है, उसके अंदर पनीर की फिलिंग कर रहे हैं। ये देखिए कितना मोटा भटूरा है, कितने अच्छे से पनीर की फिलिंग हो रही है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे भटूरे ने रखे और ये भैया देखो कितने बढ़िया से भटूरे बना रहे हैं। देखो तरीका देखो यार डालने का, भटूरे यार भटूरे वैसी दिल्ली की शान है यार। सुग्रीव कितने साल से भैया? लगभग 20 साल हो गया। 20 साल से आप यहीं पे ही हैं, तो आपको कितनी प्रैक्टिस होगी भटूरे बनाने की वो देख के लग रहा है, आप कैसे करके एकदम से कढ़ाई में डाल रहे हैं। तो एक दिन में कितने भटूरे बना लेते हैं आप? अरे गिनती तो नहीं दिए लेकिन कम से कम 15-16 भटूरे निकल गए। 15-16 भटूरे एक दिन में, 15-16 भटूरे यार मजा ही आता है। देखो अभी मुझे अंकल जी ने बताया कि इन भैया ने भटूरे बना बना के अपनी बॉडी बना ली है। बॉडी दिखा दो भैया, दिखाई दो आज आप। ये देखिए मसल देखिए कितने हार्ड है यार ये। हमने यार भटूरे खा के इतनी बनाई, इन्होंने भटूरे बना बना के इतनी बॉडी बना ली है। तो अब हम देखते हैं क्या भटूरे में दम है, हम भी खाते हैं हमारी बॉडी बनती है नहीं बनती। यहाँ पे देखिए कचौड़ियों की फिलिंग हो रही है, ये देखते हैं भैया कैसे कैसे फिलिंग कर रहे हैं और क्या क्या भर रहे हैं। ये भैया दाल भरी जा रही है इसके अंदर? हाँ जी। ये कौन सी दाल होती है? ये मूंग की दाल। मूंग की दाल तो इसके अंदर कोई मसाला भी होता है? खाली ये वाइट दाल है, मसाला भी होता है। मेरा नाम बिल्लू उस्ताद है सर। बिल्लू उस्ताद जी, क्या बात है उस्ताद, कचौड़ी बनाने में उस्ताद हैं आप? जी कचौड़ी के उस्ताद हैं आप? मुंडाली मोड़ कचौड़ी हमारी बहुत मशहूर है सर। आप बिल्कुल, मैंने देखा। मैं एक दान में 500 कचौड़ियाँ डालता हूँ सर। आप कितने साल से हैं यहाँ पे? मैं यहाँ 26 साल से हूँ सर। 26 साल से? देखिए ये सबसे सीनियर है मुझे लगता है आप यहाँ पे लेबर में। हाँ सबसे सीनियर है, 26 साल से हैं ये अंकल यहाँ पे। यार देखिए इनको कितना एक्सपीरियंस है और इन्होंने बताया बिल्लू उस्ताद, सच्ची में ये 26 साल से काम कर रहे थे कचौड़ी बनाने में उस्ताद है ये। मैंने भी ऑर्डर दे दिया छोले भटूरे कचौड़ी का, मैं वेट कर रहा हूँ, देखते हैं फिर जैसे ही हमारा आता है तो कैसा बना है बताते हैं। वेट कीजिए तब तक आप मेरे साथ। ये देखिए हमारा छोले और ये फूला हुआ भटूरा जो है आ गया है हमारे पास खाने के लिए, ट्राई करते हैं एकदम फूला हुआ भटूरा यार ये। मैं आपको भटूरा खोल के दिखाता हूँ कैसा बना है ये। और ये देखिए एक और भटूरा आ गया मेरे पास। वाह यार ये है अचार, पहले मैं आपको अचार दिखाता हूँ। ये आंवले का अचार, चटनी भी डली है, हरी मिर्च है, प्याज है, गाजर भी है और इस पर मसाला भी डला हुआ है। और सारा ये उन्होंने भैया ने बताया ये मसाले जो है खुद ही बनाते हैं, तो अचार बाहर का नहीं है, खुद ही अचार उन्होंने बनाया है। मैं आपको भटूरा दिखाता हूँ कैसे। वाह भैया ये देखिए भटूरा, देखिए मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो पनीर की फिलिंग अंदर और इतना हैवी भटूरा है, वेल कुक्ड भटूरा, कोई ऐसा नहीं है कि कच्चा है कुछ है, और भटूरा हैवी है, एक खा कर भी आपको पेट भर सकता है और फीलिंग तो मस्त है ही। मैं आपको खा कर दिखाता हूँ, साथ साथ हमारी कचौड़ी भी आ गई है। पहले कचौड़ी दिखाते हैं भैया से, अब हम करते हैं भटूरा ट्राई। पहले एक बार तो फिर बताऊँगा, मज़ा आ गया। जब भटूरा है ना भाई वो खुद बता रहा है कि क्या चीज़ है, बहुत बढ़िया भटूरा, वेल कुक्ड, क्रिस्पी भी है, अंदर फिलिंग भी है, सॉफ्ट भी है, मज़ा आया खा के। तो छोले है ना, एक एक दाना छोले का पता लग रहा है जब हम खा रहे हैं। चलिए हम कचौड़ी ट्राई करते हैं भैया, एकदम क्रिस्पी कचौड़ी है। पहले से सब्जी लगाने के लिए थोड़ी जगह बना लेते हैं, एक बाइट में लेता हूँ, मैं आपको मैं अंदर से भी दिखाऊंगा। वाह क्या क्रिस्पी कचौड़ी है यार ये देखिए दाल की फिलिंग अंदर कितने अच्छे से, दो साइड है ये नहीं एक साइड है, अच्छे से दाल की फिलिंग अंदर, ट्राई करते हैं। Thank you.
मजा आ गया। दाल बहुत मस्त है, दाल में हल्का खट्टा बना रहा ना, कचौड़ी का खाने में बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको बताता हूँ, चावल भी है, चावल खाते बट दाल खाते हैं। ये जो दाल में इन्होंने प्याज डाला है और कचौड़ी का था जो प्याज का कच्चा बना रहा है, क्रंची टेस्ट आ रहा है, वो तो यार एकदम औसम है। उससे तो कचौड़ी का टेस्ट जो है डबल हो गया, बहुत अच्छी है, रिकमेंडेड है खाने लायक। कचौड़ी में भी ऐसा कुछ नहीं कि आपको बहुत तेज मसाले हैं या आपको मिर्च का टेस्ट आ रहा है, ऐसा नहीं है, क्रिस्पी कचौड़ी। दाल की फीलिंग, दाल का भी अंदर टेस्ट आ रहा है, जो फीलिंग है मूंग की दाल और ये मोट है, बहुत बढ़िया। चलिए हमें फ्रेश करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। तो ये भैया हमें मिले हैं एक नरेश कुमार, भैया क्या नाम है? नरेश कुमार। मेरा नाम नरेश कुमार है। तो भैया क्या कह रहे हैं आपका इनके बारे में? यार देखो जी, ये जो अपनी नागपाल जी की हट्टी है, मैं तकरीबन लगा के चलो मैंने 40 साल पहले भी, जब मैं छोटा था तो मैं इनकी दुकान पे आता रहा हूँ 40 साल पहले, और जब इनकी दोनों दुकानें एक ही हुआ करती थी, क्योंकि तो मैंने 2 रुपये प्लेट के हिसाब से भी अपनी मम्मी के साथ जब मैं आता था, तो आज मेरी मम्मी की उम्र 75 साल है और मेरी उम्र 44 साल है, और मैं जब से तकरीबन यहाँ से छोले भटूरे 2 रुपए की भैया ने कचौड़ी खाई है इस शॉप पे, देखिए अभी तक भैया आ रहे हैं, आप खुद अंदाजा लगा दिए पॉपुलैरिटी शॉप की, टेस्ट इस शॉप का। तो दोस्तों आज हम अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आपने आज देखा कि हम आए थे आज नागपाल दी हट्टी पे, गांधीनगर मेन मार्केट के साथ, बिल्कुल ये नागपाल दी हट्टी है, फेमस है बहुत, आप किससे ही पूछ लीजिए आपको छोड़ के आएगा, 45 साल पुरानी, 50 साल पुरानी दुकान है। दोस्तों सच में बताऊँ, मैंने यहाँ पे छोले भटूरे खाए और कचौड़ी खाई, खा के मज़ा आ गया दोस्तों, वो टेस्ट था, तभी इनकी दुकान 45 साल चल रही है। और जैसे कि लोगों ने बताया, यहाँ मार्केट आते हैं तो घर से सोच के आते हैं कि हमें यहाँ पे खाना है, तो दोस्तों आप भी यहाँ पे आइएगा, और जब आप आइएगा तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमने यहाँ पे खाया और आपको कैसा लगा। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं अपने अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय डियर पार्टनर, टेक केयर।